सही जानकारी के लिए हमें जरूरी है कि हम कुछ और समझ पाए। अभी जो घटनाएं चल रही है उसके अलावा चौथा विश्लेषण और पांचवा अंत में मैं आपके सामने दो प्रश्न
संक्षिप्त में रखना चाहूंगा ताकि हम चिंतन मंथन कर सके। एक, निरंतर हिंसा की दर्दनाक विभत्स दरिंदगी भरी घटनाएं। हो क्या रहा है हमारे देश में? कोरोना में हजारों लाखों लोगों की जानें गईं, ईश्वर ने जिन लोगों की जिंदगी बख्श दी वही अब एक दूसरे की जान देने पर तुले। मणिपुर में लगभग 2.5 महीने से ज्यादा समय से जातीय झड़पें हो रही हैं। मेती और कुकी के बीच हिंसा का अंत क्यों नहीं हो रहा? समुदायों के बीच विभाजन क्यों गहराता जा रहा? प्रारंभ में ही मैं इत्तला करना चाहूंगा कि ये हिंसा की घटनाएं ईसाई और गैर ईसाई के बीच की नहीं, क्योंकि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों समुदाय में ईसाई हैं। मणिपुर में मेती के बीच में भी ईसाई है, नागा भी ईसाई है, कुकी भी ईसाई है। मणिपुर ने अतीत में जातीय संघर्ष देखे बहुत सारे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कभी। 175 से अधिक लोग मारे गए हैं अभी तक, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, 40,000 से ज्यादा, और सैकड़ों इमारतें जलकर राख हो गई हैं। मणिपुर में 150 से भी ज्यादा छोटे बड़े चर्च जलाए गए, बर्बाद कर दिए गए। सशस्त्र भीड़ ने कुकी समुदाय की कारों, घरों और चर्चों पर हमला किया और उनमें आग लगा दी। पुलिस के सामने महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। जो महिलाएं पुलिस की कस्टडी में थी उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया पुलिस के सामने। मणिपुर के कई हिंसाग्रस्त इलाकों में रात रात जगकर महिलाएं घरों की पहरेदारी कर रही, बहादुर महिलाएं थी। हाल ही में महिलाओं के विरोध के कारण सेना को चरमपंथी काडरों को छोड़ना पड़ा था। 2004 में अगर आप याद करेंगे, मीरा बैबी की महिलाओं ने सेना के खिलाफ नग्न प्रदर्शन भी किया था प्रोटेस्ट करते हुए। हमारे देश में हमें इस हद तक भी जाना पड़ सकता है। इम्फाल खाड़ी से लेकर पहाड़ी जिलों तक सभी जगह दिन में कुछ घंटों की राहत के बाद वहां अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट भी बंद है। मैं अब पॉइंट नंबर 2 पर आता हूं। मणिपुर में हिंसा के मुख्य कारण क्या थे या क्या है? मणिपुर को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग में नदी की घाटी या मैदान, तराई क्षेत्र जिसे बोलते हैं, और 90% पहाड़ी क्षेत्र है। मणिपुर को एक जातीय सांस्कृतिक विषम समाज के रूप में जाना जाता है। यहाँ विभिन्नताएं जिसमें 3 मुख्य जातीय समूह शामिल, 3 प्रकार के लोग वहां रहते हैं, मेतेई, कुकी और नागा। मेतेई ज्यादातर मणिपुर के घाटी क्षेत्र में रहते हैं, वो नीचे रहते हैं, तराई में रहते हैं, घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी वो उनकी अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, और वो पहाड़ी जनजातियां हैं, पहाड़ों में रहती हैं। तो 90% मणिपुर के भागों में ये हमारे ट्राइब्स रहते जो सदियों पहले से वहां पर रहते आए हैं। ये जातीय समूह अक्सर ऐतिहासिक अन्याय, जिसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस कहा जाता है, और वहां भी बहुत सारे विवादास्पद कानून बने, कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशंस, और वहां पर ऑटोनॉमी की मांग रही है, स्वायत्तता की मांग रही है, और वहां पर एक डर भी उनके मन और दिल में है कि जो बहुल संस्कृति के लोग हैं क्या उनको दबा आने वाले वर्षों में भी दबाते रहेंगे, उन पर हिंसा करते रहेंगे। तो ये पृष्ठभूमि है उनकी, और इसलिए ये अस्मिता और पहचान की भी लड़ाई है। एक बात हम ये भी जान लें, हम यहाँ अपने क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं। मणिपुर में 6वीं अनुसूची का विस्तार जरूर है, लेकिन वह घाटी के क्षेत्रों में जहाँ ये आदिवासी जनजातियां हैं वहां एक दूसरी व्यवस्था है जिसे कहा जाता है द हिल एरिया काउंसिल, और वहां 6वीं अनुसूची पूर्ण रूप में लागू नहीं है, हर चीज के लिए उनको पूछना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पूर्ण रूप में स्वतंत्र नहीं है। हिल एरिया कमेटी का गठन 1971 में भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 371 सी को शामिल करके किया गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मामलों को समिति को भेजा जाएगा। और इसका नतीजा ये हुआ, केंद्र सरकार ने मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र जिला परिषद अधिनियम हिल एरियाज मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 में बनाया, ताकि जो भी वहाँ ट्राइब्स हैं, कुकीज हैं, नागास हैं और जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ऐसा उनका मकसद था। लेकिन दूसरी और छठी अनुसूची, जिसका मकसद था विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, वह पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनको पूरे अधिकार नहीं मिल पाए, उनको लेजिस्लेशन का कानून बनाने का और जुडिशियरी न्याय करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह के अगर कोई मुद्दे उठते थे उनको ऊपर ले जाना पड़ता था, जहां पर छठी अनुसूची को रूप में लागू हुई। तो ये फर्क आप देखते हैं और ये विषमता देखते हैं। इस प्रकार 1974 से आदिवासी समुदाय मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में छठी अनुसूची के विस्तार की मांग कर, और इसलिए वहां के आदिवासियों की मांग थी कि छठी अनुसूची को पूर्ण रूप में हिल एरियाज में भी लागू किया जाए, और ऐसा नहीं हो पाया। अगली बात हमारे जानने के लिए, अनुसूचित जनजातियों की सूची में समूहों को शामिल करना या ना शामिल करना भारतीय संविधान की धारा 342 एक के अनुसार प्रावधान है, और इसको लेकर बहुत सारे ऐसे समुदाय शामिल कर दिए गए हैं जिसके कारण अब तक बहुत सारे विरोध हो चुके हैं, और हाल ही में जिसके कारण ये हिंसा हुई, इस तरह की ही बात थी जिसकी चर्चा हम बिल्कुल संक्षेप में करेंगे। तो अब हम ये देखें, इन राजनैतिक मुद्दों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जातीय राजनैतिक संघर्ष कैसे पनपते थे और अभी इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक, मणिपुर की नागा जनजातियां खुद को नागालैंड राज्य के साथ एकीकृत कर नागालैंड स्थापित करने की मांग करती। तो ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारे प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे थे, और इसलिए मणिपुर की हिंसा की घटनाओं को हमें अलग थलग नहीं देखना चाहिए, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। इसलिए मैं तीन भाव हो रहा हूं। और अगली बात यह है कि अंग्रेजों की फूट डालो शासक करो नीति, डिवाइड एंड रूल के कारण नागा और कुकी में भी गलतफहमियां हो गई थी अतीत में, और इसके कारण नागा और कुकी में भी संघर्ष हुआ था, अंतर जातीय संघर्ष। 6, जो गैर मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं वो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए मांग कर रही है। 7, मेती के बीच भी आपस में भारत से अलग होकर अलग मेती लैंड या फिर विद्रोही समूह द्वारा भारत के प्रभुत्व को स्वतंत्रता की मांग की जा रही है कि हम भारत से स्वतंत्र होकर अपना अलग राष्ट्र बना सके, इसकी भी मांग अंडरग्राउंड मेती संगठनों के द्वारा जारी है। और अंतिम बात यह है कि आपको मालूम होगा असम में और मणिपुर में भी एक ऐसा नियम लागू है जिसका सभी विरोध कर रहे हैं, इसके कारण वहां पर असंतोष है, और वह है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में बना था, अफ्सपा, जिसे लागू वहां पर किया गया है, उसको लेकर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए हुए हैं। तो ये पृष्ठभूमि है, इसके तहत ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, और जो 3 मई को हुआ, 3 मई की बात हो रहा है अब, मैं उसको लेकर सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में मेती और कुकी के बीच भड़की हिंसा फिर से बहुत आयामी कारणों का परिणाम है। हिंसा तब शुरू हुई जब 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। और सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मणिपुर राज्य सरकार को मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया।
इसने पहले से ही हाशी पर मौजूद पहाड़ी जनजातियों के बीच भय, फियर और चिंता की भावना पैदा कर दी, क्योंकि उन्हें बहुसंख्यक और आर्थिक रूप से संपन्न मेदी की तुलना में अपनी पहचान और संसाधनों के कारण खतरा महसूस हुआ। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाइयां जिसने आदिवासी भूमि को संरक्षित वन घोषित किया। देखिए, वहां जो भी आदिवासी जंगल के आदिवासी जहां रहा करते हैं, वहां प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और आदिवासियों को, वहां के ट्राइब्स को डर हो गया कि उन्हें ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ चर्चों के अनाधिकृत विध्वंस या अनऑथराइज डिमोलिशन भी किया गया, कुछ चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया बिना किसी ऑथराइजेशन। तीसरी बात याद रखें, भारत सरकार और कुकी आतंकवादी समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, युद्ध विराम समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस 2008, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस 2008, और जिसे जो भी समझौते के वहां शर्तें थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उनको सरकार ने, राज्य सरकार ने मानने से इनकार कर दिया या उनको रिवोक करने का प्रयास किया गया, उनको सरकार ने मानना छोड़ दिया और यही वजह थी कि वहां पर हिंसा की घटनाएं विभत्स रूप ले गई। ऐसा इसलिए ये बहुत पेचीदा मामला। मणिपुर की जनसंख्या पर हम नजर डालें तो 53% मेदी आबादी है। मेदी जाति के लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, खासकर पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियां हैं, उनका वर्चस्व है। मणिपुर में जनजातियां राज्य के लगभग 90% हिस्से में पहाड़ियों में रहती हैं, जो ट्राइब्स हैं 90% भागों में रहती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की संख्या लगभग बराबर, करीबन 41% ईसाई, 41% हिंदू, जिसमें हिंदू मेती और जो ट्राइब्स हैं वो भी शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में मुस्लिमों की आबादी 8.4% थी, अब 10 साल गुजर गए हैं। तो पहाड़ों पर रहने वाले अगर कैथोलिक धर्म के अनुयायी हैं तो, और दूसरे चर्चों के, तो घाटी की आबादी हिंदू है, जिसमें वैष्णव हिंदू अधिक है, इन्हें मेदी समुदाय के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार, पुलिस और नौकरशाही में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें घाटी के मेदियों की प्रधानता ज्यादा, वो लोग है, और इससे आप अब समझ पाएंगे क्यों बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। संबंधित एक समझौते में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि ट्राइबल संस्कृति को मुख्य धारा में जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार और चरमपंथी नागा नेता टी मुड़वा के बीच 1957 में हुए समझौते में भी ऐसे ही वादे किए गए थे, लेकिन इन सभी वायदों को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इसके बाद से नागा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हमेशा से ये आरोप रहा है कि राज्य सरकार किसी ना किसी बहाने से पहाड़ों पर सिंध मारना चाहती है और उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। दूसरी तरफ घाटी में रहने वालों का तर्क है कि घाटी राज्य के पहाड़ी इलाकों से काफी छोटी है, लेकिन आबादी पहाड़ों से अधिक है, तो एक ही राज्य का भाग होकर भी वो पहाड़ों पर आबाद क्यों नहीं हो सकते। देख रहे हैं, स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल फॉर नेचुरल रिसोर्सेस, स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, अस्मिता और पहचान के लिए संघर्ष। ताजा हिंसा के पीछे पहाड़ और घाटी की कश्मकश है। मणिपुर में राज्य सरकार ने 7 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसके विरोध में नागा संगठनों ने आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया था। 1 नवंबर से पिछले वर्ष मणिपुर के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर यूनाइटेड नागा काउंसिल की ओर से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी चल रही थी। उसके बाद मणिपुर में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। ताजा हिंसा में वे लोग फंसे हैं जो पहाड़ों से आकर घाटी में कामकाज के लिए आबाद हुए हैं, जाहिर है इनमें से अधिकतर नागा और कुकी हैं।
महज 28 लाख की जनसंख्या वाले मणिपुर में हालात काबू करने के लिए सेना और पुलिस बलों के 40,000 जवान तैनात हैं। हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनाती बढ़ा दी गई। अब संक्षिप्त तीसरे नंबर पर मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त में, ऐतिहासिक परिचय तो हमने दे दिया, लेकिन एक और बात है, ये तबाही का इतिहास नया नहीं मणिपुर के लिए। 7 साल की तबाही 1819 से 1826 तक मणिपुर में हुई थी, जब बर्मन ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया था। और मणिपुर के इतिहास में इस अंधकारमय काल को 7 साल की तबाही के नाम से जाना जाता है। 7 साल की तबाही 19वीं सदी की बात है। और इसलिए जैसा कि मैंने कहा, आज की ये जो लड़ाई है अस्मिता पहचान की लड़ाई है, ये जंगल जल जमीन की लड़ाई है। इसके अलावा और भी चीजें जो मैं अभी आपके सामने विश्लेषण के रूप में नंबर 4 पे रखना चाहूंगा, उसमें सभी बातें आ जाएंगी। मणिपुर में जाते हिंसा का विश्लेषण हमारे चिंतन के लिए, मंथन के लिए। एक, मणिपुर की हिंसा एक ट्राइब, जाति या समूह मात्र के प्रति हैवानियत नहीं, यह सारी मानव जाति को शर्मसार करने वाली एक घटना है। इट इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सारी मानव जाति को शर्मसार कर देती है। दो, मणिपुर की हिंसा महिलाओं के विरुद्ध अशमनीय अपराध है। और महिलाओं के विरुद्ध ये घटनाएं तब हो रही हैं जब हम देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। यह जेंडर हिंसा, जेंडर इनजस्टिस, जेंडर वायलेंस, जेंडर अन्याय का सबसे बुरा उदाहरण है। तीन, यह हिंसा विश्व गुरु होने का दिन हारने वाले विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज भारत के गाल पर एक करारा तमाचा है। संविधान ने हमें फेल नहीं किया है, परंतु हमने संविधान को फेल कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चार, मणिपुर की हिंसा देश के हर नागरिक के प्रति हिंसा है। मणिपुर की हिंसा हमारे देश का एक कलंक है। पांच, मणिपुर की हिंसा सभी अल्पसंख्यकों और जनजातियों के विरुद्ध जघन्य अपराध है। इसमें सभी इंक्लूडेड है, सभी ये इंक्लूसिव है, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध अपराध है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन सभी लोग ही मन है। छह, मणिपुर की हिंसा एक ढांचागत समस्या का परिचायक है। ये इसी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, अगर संविधान के द्वारा जो भी हमारे स्ट्रक्चर में हमारे ढांचा में विषमताएं हैं असमानताएं हैं, स्ट्रक्चरल जो समस्याएं हमारे सिस्टम में, उससे निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए संविधान में कुछ हमें प्रावधान दिए गए, यानी कि स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया गया ढांचागत रूप से, ताकि हमारा जो ढांचागत विषमता है वो खत्म हो सके। तो अल्पसंख्यक समुदायों पर जनजातियों पर जो हावी होना चाहते हैं बहुसंख्यक, ये उसी बात का परिचायक है। राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, तो इस बात की लड़ाई अमीर गरीब की ही लड़ाई है। सर, मणिपुर की हिंसा ट्राइबल डेवलपमेंट या जनजातीय विकास की सोच पर एक गंभीर मुद्दा है। हकीकत में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह जल जंगल जमीन की भी लड़ाई है। और आज अंत में, मणिपुर की हिंसा एक बृहद षड्यंत्र का अंग है, जहां ध्रुवीकरण के जरिए, ध्रुवीकरण के लिए एक अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के जरिए राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक फायदा प्राप्त किया जा सके और जनजातियों के संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। मैं कम बोल रहा हूं, आप ज्यादा समझ लें। और इसलिए नंबर 5 हमारे चिंतन के लिए, मैं मात्र 2 छोटे छोटे प्रश्न दे रहा हूं, आप उनमें अपने प्रश्न भी जोड़ सकते हैं और भी बातों पर गौर कर सकते हैं, मंथन चिंतन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचार यहां से वापस जाने के बाद साझा कर सकते हैं। हम
हमारे चिंतन के दो प्रश्न हैं। एक, हमारे जेहन में मणिपुर की हिंसा से दर्द होगा, दुख होगा। क्या इतिहास, क्या इसलिए कि भुक्तभोगी ईसाई और जनजाति हैं, या इसलिए कि मैं इंसान इंसान के नाते, इंसानियत के नाते, देश या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं होने से क्या हम उसी तरह प्रभावित होते हैं जैसे हम मणिपुर की घटना से प्रभावित हुए हैं? दूसरा प्रश्न, विपत्ति की इस घड़ी में ह्यूमन चेन, रैली, धरना और कैंडल मार्च के अलावा हम मणिपुर के भुक्तभोगी भाई बहनों के साथ का साथ कैसे दे सकते हैं? हम कैसे ये जाहिर कर सकते हैं कि हम हकीकत में सिर्फ आज के लिए उनके साथ नहीं है, लेकिन हम हमेशा हमेशा के लिए ना सिर्फ मणिपुर के भाई बहनों के साथ, लेकिन इस तरह की जो भी घटनाएं कहीं भी हो उनके साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। एक फरियाद खुदा से करता हूँ, एक फरियाद खुदा से करता हूँ, प्यार की रूह बहा दे दिल में, प्यार जगा दे, बस यही मांगता हूँ एक फरियाद खुदा। मिलके रहे बस यहाँ सुबी, नफरत की कोई बात ना हो, बस प्यार को तू प्यार सिखा दे, मोहब्बत से बस जीना सिखा दे, एक फरियाद खुदा करता हूँ, एक फरियाद खुदा से करता हूँ, प्यार की रूह बहा दे दिल में, प्यार बस यही मांगता हूँ एक फरियाद खुदा से करता हूँ।